बलिया जनपद के थाना उभाव अंतर्गत पिपरौली वाड़ा गांव में बृहस्पतिवार की रात अज्ञात चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरों ने परिवार वालों को धमकी देते हुए चोरी की घटना को अंजाम दे फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी कर दी है। सीआईबी इंडिया न्यूज के संवाददाता मोहम्मद सुफियान से बातचीत में थानाध्यक्ष जयचंद भारती ने कहा कि बहुत जल्द ही चोरी का खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर नकदी चोरी की, कुछ सामान और जेवरात उठा लेगा, जिससे इस घर के लोगों में और गांव के लोगों में दहशत कायम है। जब इस घर के लोगों ने चोरों से आपत्ति जताई तो चोरों ने कट्टा से और अपने कुछ हथियार से जो है घर की औरतों के ऊपर हमला कर दिया, जिससे हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। जब यहाँ के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया तो तत्काल भाव कोतवाल जयचंद भारती पहुँच कर इस क्षेत्र को नाकाबंदी किए, लेकिन फिर भी चोर भागने में सफल रहे और पुलिस नाकाम रही चोरों को पकड़ने में। थोड़ा भी आवाज निकालेगी तो तुझको नहीं मारेगी, मारे लड़की को मारे। बोले का कि हम जानते हैं जहाँ आवाज निकाली तो हम कहेंगे इस लड़की को मार देंगे, तो पहचान रहे इतना बोला है। उसके बाद घर में ताला बंद करने लगा, सारा सामान लेके रक्षा जटो के सारा सामान जेवरात ले लिया, पैसा भी लिया। उसके बाद ताला बंद करने लगा तो हम उसे इन्वेस्ट किया। भैया ऐसा है कि ताला ना बंद कर लिए भैया का ताला मैंने आपको काम निकाल बचा सामान पैसा पहले ही जा रहे थे, हम सब पानी लगे निकले। उसके बाद फिर खोला तो फिर सारा पकड़ी तार से मारा, बोला था कि पानी पीने माधव चल माधव चल बड़ी चिल्ला रही है मार मार इसको मार मार। दोनों लड़के हाथ पकड़ उसके बाद ढक्कन दिया हमको, हाँ फिर लड़की को ढक्कन दिए, फिर लड़की को छीनने लगे सब लोग। बोले कि मैं जब बिस्तर से खड़ी हो गई तो पूछे कि गेट का चाबी मेन गेट का चाबी की गई, मेरे मुँह से तवाब नहीं निकल रहा था, मेरे लड़का बन के मैं सारा से फिर उस वहाँ से चाबी जो भी। कैमरा पर्सन हरिलाल सिंह के साथ मोहम्मद सुफियान, सीआईबी इंडिया न्यूज़ रिपोर्टर।